हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वन, जिसमें आपको पढ़ना है लार्ज नंबर। इस क्लास के पहले आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर पढ़ चुके हैं। और अब आपको जो नंबर्स पढ़ने हैं लार्ज नंबर्स, इट मीन्स आपके पास एट डिजिट नंबर्स के भी हो सकते हैं, नाइन डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इनको हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं बच्चों? तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है कि आप लोगों को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए, जिसमें कि आपको समझना है कि दिए गए नंबर्स को प्रत्येक पीरियड्स में हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। पीरियड्स क्या होते हैं? वर्ल्ड पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लाइक पीरियड एंड करोड़। ठीक है, तो इसके लिए जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक चार्ट दिया है, यहाँ इसको हम कहते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अभी आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, फिर आपको आगे जो चैप्टर आएगा वो आएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अभी जो है आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाया गया है। इसको हम कैसे रीड करते हैं? जिसे हमेशा जो है, जो नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट पढ़े जाते हैं। ठीक है, जो नंबर्स हैं वो हमेशा कैसे पढ़े जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। कैसे? वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड वंस पीरियड, थाउजेंड टेन थाउजेंड थाउजेंड पीरियड, लैक टेन लैक लैक पीरियड एंड करोड़ टेन करोड़ करोड़ पीरियड। तो देखिए आप, करोड़ तक में ये कितने पीरियड में डिवाइड किए गए बच्चों? ये डिवाइड किए गए फोर पीरियड में। ओके, जिसमें अब आपको नंबर्स जितने भी दिए इनको इस तरीके से आप लेफ़्ट टू राइट लिखते चले जाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे हंड्रेड में थ्री डिजिट है, थाउजेंड पीरियड में टू, लाख पीरियड में टू नंबर्स एंड करोड़ पीरियड में भी टू नंबर्स। ओके, ये सबसे आसान तरीका है नंबर्स को रीड करने का और उनको लिखने का। तो सभी बच्चे इस तरीके से लिखेंगे तो इजी रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन यानी नाइन डिजिट है इसमें। तो अब आप इसको कैसे लिख सकती हैं? तो लिखिए, जैसे नाइन को लिखिए वन प्लेस में, एट को टेन प्लेस में, सेवन को हंड्रेड प्लेस में। ठीक, आप इसी प्रकार से सिक्स आ जाएगा थाउजेंड में, फाइव टेन थाउजेंड में, फिर इसके बाद फोर, फोर आएगा लाख में, थ्री आएगा टेन लाख में, टू करोड़ में एंड वन टेन करोड़ में। अब आपको आसान हो गया पढ़ना। देखिए, हम आराम से पढ़ सकते हैं ट्वेल्व करोड़ थर्टी फोर लाख थाउजेंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन। पढ़ लिया बच्चों? कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। तो बस अब आपको करना क्या है कि जब भी हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं बच्चों, तो कॉमास ज़रूर लगाते हैं ईच पीरियड, यानी प्रत्येक पीरियड के बाद में कॉमास लगाने। जैसे यहाँ पर आप कॉमा कहाँ लगाएंगे? जैसे ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद कॉमा, थर्टी फोर के बाद कॉमा, फिफ्टी सिक्स के बाद कॉमा। ओके, और इसके बाद इंडियन प्लेस वैल्यू में यही खासियत होती है कि आप केवल हंड्रेड के बाद जब कॉमा लगाएं, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा, लैक टेन लैक कॉमा, करोड़ टेन करोड़। ओके, इस तरीके से कॉमास लगाते हैं। अब आसान होगा ना बच्चों? तो चलिए हम जैसे पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन है, नंबर आपको दिए हैं थ्री सिक्स सेवन टू एट नाइन वन। उसी प्रकार से आप लोग पीरियड वाइज लिख लीजिए, कॉमास लगाइए। तो वंस वंस टेंस हंड्रेड, एट हंड्रेड नाइन्टी वन अलग हो गया, फिर टू एंड सेवन यानी सेवेंटी टू, ये किस में आ जाएगा? टू थाउजेंड है, सेवन टेन थाउजेंड, तो यानी सेवेंटी टू थाउजेंड, इसको भी अलग पीरियड में, ये थाउजेंड पीरियड में आया। फिर सिक्स लैक एंड थ्री टेन लैक, तो यहाँ पर हो गया थर्टी सिक्स लैक, हमने डिवाइड कर लिया। कॉमा लगाइए, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा। ठीक, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? थर्टी सिक्स लैक सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी वन। इसी प्रकार से फिर से आप कॉमा लगाइए, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, समझ में आ रहा है बच्चों? यानी टू हंड्रेड फोर्टी वन अलग कीजिए, फिफ्टी नाइन को अलग कीजिए, एट्टी थ्री को अलग करेंगे। ठीक है, तो अब आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे बच्चों? यहाँ पर आपने हंड्रेड पीरियड हो गया, थाउजेंड पीरियड हो गया,
लैग पीरियड हो गया एंड करोड़, करोड़ में आए फाइव, ठीक है। अब 5,83,59,400, sorry 241। इसी प्रकार से फिर से इन्हें भी डिवाइड कर लीजिए बच्चों, कैसे यहाँ पर आपको करना 1,100, यानी जिसमें 045 को 100 पीरियड में लीजिए, फिर 2,7,000 पीरियड में, 79 को किस में लेंगे लैग पीरियड में, फिर से करोड़ पीरियड में क्या है 4, फिर पढ़िए 4,79,27,045। ओके, फिर यहाँ पर देखिए आपके पास डिजिट दिए हैं, 1,100 यानी 278 को अलग कीजिए, 10,036 को अलग, फिर इसी प्रकार से लैग 10 लैग यानी 8,080 को अलग, 2 एंड करोड़ 10 करोड़ यानी 27 करोड़ पीरियड में है। अब आप इसको पढ़ेंगे 27,80,36,278 है। इसी बच्चों बस इसी प्रकार से हम इनको पीरियड्स में डिवाइड करते जाएंगे और लिखने में नंबर आसान हो जाएंगे। 1,100 यानी 1,100, 193, 7,000 and 6, 10,000 यानी 67,000 पीरियड में, फिर इसके बाद 77 है जो वो लैग पीरियड में, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 77,67,193। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पर मार्क द पीरियड यूजिंग कॉमास इन द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। बच्चों जो अभी हमने आपको पढ़ाया ना, आपने प्लेस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है, जिसको आपको कैसे डिवाइड करना, 1,100 एक पीरियड में हो गया, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, ओके, कॉमास लगाते चाहिए इस प्रकार से, जैसे 1,100 तो 201, ठीक, इसके बाद 67 नेक्स्ट पीरियड में और 43 लैग पीरियड में, तो लैग 1,000 और वंस पीरियड, थ्री पीरियड इसमें भी डिवाइड। अब इसको भी देखते हैं, 1,100, 982 वंस पीरियड, 63,000 पीरियड, 78 लैग पीरियड और 1 इज करोड़ पीरियड। इस प्रकार से आप लोग दिए गए नंबर्स में कॉमर्स लगाइए और जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अब आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। साथ में बच्चों इसमें डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।